दोस्तों दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसी भविष्यवाणियां आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस बार इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने बताया है कि दुनिया इस दिन खत्म हो जाएगी। अब विज्ञान आ गया है तो चीजें बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएंगी और भरोसेमंद हो जाएंगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है और रिसर्च हुआ है लंदन के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में, बाकायदा एक सुपर कंप्यूटर की मदद से एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है और उसमें आकलन के जरिए ये जानने की कोशिश की गई है कि दुनिया किस दिन खत्म हो जाएगी, इस पृथ्वी से इंसान कब खत्म हो जाएंगे और दुनिया उस समय कैसी दिखेगी। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हैं और उस पॉइंट को मैं आपको समझाते चलूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखेंगे तो समझेंगे कि दुनिया कैसे खत्म होगी और क्या क्या उस समय होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि ये जो रिसर्च हुआ है वो यूनाइटेड किंगडम के यानी लंदन में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। नेचर जियोसाइंस एक रिसर्च प्रकाशित करता है हर समय को, ये नेचर के ऊपर जितने रिसर्च होते हैं वहां पर ये रिसर्च प्रकाशित हुआ है, आप ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के साइट पर इसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा है कि 25 करोड़ साल के बाद सुपर महाद्वीप का एक निर्माण होगा और इस महाद्वीप में स्तनधारियों का खात्मा हो जाएगा और जिस महाद्वीप का नाम जो है पेंजिया अल्टीमा रखा गया है। देखिए यही महाद्वीप है अभी जो आप देखते होंगे जिसमें भारत वारत तमाम दिखाई देते होंगे, लेकिन 25 करोड़ साल बाद दुनिया ऐसे दिखेगी और दुनिया के इतनी जगह पूरी दुनिया लगभग रेड नजर आएगी, मतलब ताप इतना ज्यादा रहेगा कि स्तनधारी मनुष्य जीव जंतु कुछ भी नहीं रहेंगे, दुनिया में गर्मी हो जाएगी। लेकिन ये डायनासोर की तरह नहीं होगा कि डायनासोर के समय एक उल्का पिंड गिरा और पूरी दुनिया में हलचल हो गई, पूरी तबाह हो गई, डायनासोर का खात्मा हो गया, ये धीरे धीरे होगा और ये प्रक्रिया अभी से ही शुरू हो गई है। इसी के आधार पर, इसी को सिमुलेशन कहते हैं और इस सिमुलेशन को मैं आगे समझाने की आपको कोशिश करूंगा, इसी के आधार पर ये आकलन किया गया है उस सुपर कंप्यूटर की मदद से कि अगर इस समय दुनिया ऐसी है तो कुछ कितने समय के बाद ये खत्म होने लगेगी। अभी मैंने आपको बताया कि एक सुपर महाद्वीप का निर्माण होगा और यही होगा नया महाद्वीप। आगे समझते हैं, इस रिसर्च को सुपर कंप्यूटर के निर्माण से किया गया है जिससे जलवायु मॉडल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, उस सुपर कंप्यूटर में सिमुलेशन का इस्तेमाल किया गया है। क्या होता है सिमुलेशन, उसे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, जैसी नदियां हैं, जैसे पर्वत हैं, जैसे उसका निर्माण हो रहा है, जैसे वो खराब हो रहे हैं, जैसे उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो जिस स्पीड से ये हो रहा है और पिछले 1,00,000 सालों में जिस स्पीड से ये हुआ है उसी स्पीड को सिमुलेशन के माध्यम से उस सुपर कंप्यूटर में रखा गया है और उसमें देखा गया है कि अगर यही स्पीड रहेगी तो दुनिया किस दिन तक सरवाइव कर पाएगी, किस दिन तक चल पाएगी। अगर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, तापमान आप देखते होंगे कि पहले के मुताबिक बहुत अधिक हो गया है, कहीं बहुत अधिक ठंडक हो गई है, तो अगर इसी यही स्थिति रही तो हम आने वाले 25 करोड़ सालों तक चलेंगे। लेकिन यह अनुमानित है सर, 25 करोड़ सालों तक। यह प्रक्रिया ऐसी हो सकती है कि यह 66 मिलियन वर्ष पहले ही समाप्त हो जाए दुनिया, मतलब हम इस स्थिति में आ जाएं कि मनुष्य धरती पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। डायनासोर वाली प्रक्रिया दूसरी थी, उसमें ऐसा हुआ था कि उल्का पिंडों की बारिश हुई थी और ताप बहुत ज्यादा गर्म हो गया था पृथ्वी का, इससे डायनासोर समाप्त हो गए थे। लेकिन जब इंसान समाप्त होंगे धरती से तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। जो 25 करोड़ साल बाद की कल्पना की गई है उसमें जो मात्रा है वो 77 डिग्री सेल्सियस तक की है, लेकिन एक आम आदमी 55 डिग्री के बाद से उसके जीने की कार्य की क्षमता में या सर्वाइव करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, क्योंकि 55 डिग्री के बाद न तो सब्जियां उगेंगी, ना तो जलवायु रहेगी, ना तो चीजें रहेंगी। 55-60 के बाद तो कुछ नहीं समाप्त, चीजें समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। चलिए इसको आगे समझेंगे, लेकिन इसके जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है, जो इसके प्रमुख शोधकर्ता वाली टीम है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर फार्न्सवर्थ। इन्होंने ही ये शोध किया है और काफी सालों की मेहनत के बाद एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है और सिमुलेशन की मदद से उस सुपर कंप्यूटर में जानने की कोशिश की है कि दुनिया किस दिन खत्म हो जाएगी। इस रिसर्च में बताया गया है कि धीरे धीरे हम उच्च तापमान की
ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब ये प्रक्रिया बढ़ रही होगी। आपको अपने बचपन में ही याद होगा, दादा मम्मी भी सुनाते होंगे कि पहले इतनी धूप नहीं हुआ करती थी, पहले इतना ज्यादा गर्मी नहीं हुआ था, एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सोचिए यही प्रक्रिया रही तो आगे क्या स्थिति होगी। सूर्य बहुत चमकीला और गर्म होता जाएगा, मतलब इतना चमकीला होता जाएगा जो इस सिमुलेशन के माध्यम से बताया गया है कि हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति सूर्य की आ जाएगी, ऐसी ओजोन परत में इतना ज्यादा खुल जाएगा कि सूर्य इतना चमकीला हो जाएगा, इतनी ज्यादा अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाएंगी कि हमारा 3 मीटर के बाद एक दूसरे को देखना खत्म हो जाएंगे। इतना चमकता रहेगा, जैसे आप कल्पना कीजिए कि शीशे को सूर्य के सामने रख दीजिए, एक चमक आंख पे जब पड़ जाती है तो आप एकदम 2 मिनट के लिए अंधे हो जाते हैं या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। सेम उसी स्थिति हो जाएगी कि सूर्य बहुत चमकीला हो जाएगा, सूर्य से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी क्योंकि ओजोन परत धीरे धीरे फटते जाएगी और इसी वजह से जो परत अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाता है या सूर्य से सीधे धरती पे आने से रोकता है, वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आएंगी। सूर्य की रोशनी बहुत तेजी से नीचे पे आएगी, पृथ्वी की निचली सतह पपड़ी सतह पर होने वाली टेक्टोनिक्स क्रियाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जो पृथ्वी है नीचे वो परतों परतों में डिवाइडेड है और जब भूकंप आता है तो यही कहा जाता है जो टेक्टोनिक्स चीजें हैं वो हिलडुल रही हैं और इसी वजह से भूकंप आ रहा है। ये क्रियाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और इसी गर्म होने की वजह से टेक्टोनिक्स जो क्रियाएं हैं वो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा और इसी सुपर कॉन्टिनेंट की वजह से पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो सोचिए, अनुमान लगाइए कि कैसी होगी स्थिति। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, यही वो पैंजिया अल्टिमा है जिसका वैज्ञानिकों ने एक चित्र जारी किया है, यही भविष्य का दुनिया है। भविष्य की दुनिया ऐसी ही दिखेगी अगर आप उसे नक्शे में देखना चाहे, बिल्कुल लाल, और लाल वाले हिस्से में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप इसमें टेम्परेचर देखेंगे तो 60 डिग्री से ऊपर हर जगह आपको 70 डिग्री के आसपास दिखाई देगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रलय के समय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2 गुना हो जाएगा। वर्तमान समय में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पे है उसका ठीक दुगना हो जाएगा प्रलय के समय। इसकी वजह से पसीने के जरिए इंसान के शरीर से निकलने वाली गर्मी नहीं निकलेगी। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक हो जाएगा तो पसीना नहीं निकलेगा और जो शरीर की गर्मी है नहीं निकलेगी। इससे जो सीधे गर्मी है वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और इंसान जो है वो खत्म होने लगेगा, जलने लगेगा। लोगों के शरीर तेजी से गर्म होगा और उसके वजह से उनकी जान चली जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के सभी महाद्वीप एक साथ मिल जाएंगे और एक विशाल महाद्वीप का निर्माण करेंगे। धरती डोनट का आकार ले लेगी और बीच में महासागर हो जाएंगे। डोनट आप लोगों ने खाया होगा, डोनट एक विदेशी मूल का स्वीट है लेकिन आज भारत में भी बहुत ज्यादा बिकता है। ऐसे होता है डोनट, और डोनट के जो डोनट होता है यहाँ चॉकलेट लगा होता है और पाव होता है, पाव के ऊपर डोनट होता है। मैं इधर फिगर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और जैसे डोनट के आकार की पूरी दुनिया हो जाएगी और बीच में समुंदर हो जाएगा। अभी पृथ्वी ऐसी नहीं है, 75% भाग जो है वो पानी है, 75-76 और बाकी पे जीवित इंसान रह सकता है। लेकिन भविष्य में दुनिया ऐसी दिखाई देगी डोनट के आकार की, ऐसे इस जलवायु पे हालांकि जीवन नहीं होगा, गर्मी होगी लेकिन यहां भूभाग होगा और इस बीच में जो होगा वो पानी होगा। ज्यादातर जो हिस्से हैं वो प्रशांत महासागर में डूब जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि ये 66 मिलियन साल पहले भी ये सब कुछ हो सकता है। जैसे ये कल्पना जो की जा रही है वो 25 करोड़ साल बाद की जा रही है, लेकिन ये सभी प्रक्रिया मतलब धरती पे जो प्रलय है उसकी शुरुआत, मतलब प्रलय आने की शुरुआत जो है वो 25 करोड़ से 66 मिलियन वर्ष पहले भी हो सकती है। अब समझने की कोशिश करिए कि ये चीजें पहले भी होंगी और ये पहले तब से होने शुरू हो जाएंगी जब से टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइए समझते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट, अभी मैंने कहा है एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा। सुपर कॉन्टिनेंट कैसे कैसे कहते हैं, अब सुपर कॉन्टिनेंट समझिए, भूविज्ञान की भाषा में पृथ्वी या 2 से ज्यादा महाद्वीप जो बनाने वाले भूभाग को सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। ऐसे समझिए जैसे ये एक महाद्वीप है और ये एक महाद्वीप
महाद्वीप है और ये एक महाद्वीप है। अच्छा, ये सुपर कॉन्टिनेंट की तस्वीर ही है। इसमें जो है, इसमें देखिए ये सभी जो कॉन्टिनेंट है, सभी महाद्वीप है, वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इस समय अफ्रीका जो है दो भागों में डिवाइड हो रहा है, और भविष्य में अफ्रीका के जो तटीय तट है वो आके भारत के मुंबई से, केरला से, भारत के किनारी भागों से मिल सकते हैं। तो उस समय जो मुंबई होगा, जो केरला होगा, जो गोवा के तट होंगे, वो इतने ज्यादा ठंडे हो जाएंगे जितने इस समय कश्मीर में है। बहुत पहले जब इसी तरह एक सुपर कॉन्टिनेंट बना था तो उस समय हिमालय बना था, और हिमालय की वजह से इस इलाकों में ठंडक है। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि भविष्य में एक दूसरे सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा। इस सुपर कॉन्टिनेंट में सारे जो महाद्वीप हैं एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और जो पूरी दुनिया है वो डोनट के आकार की हो जाएगी, और बीच में समुंदर होगा, और बाकी सब प्रशांत महासागर में डूब जाएगा, और किनारे किनारे दुनिया रहेगी, अगर उसमें लोग जीवित रहेंगे, या उस समय हम लोग ऐसी वैज्ञानिकता या ऐसी चीजें विकसित कर लेते हैं तो हम लोग इधर इधर रहेंगे और बीच में समुंदर रहेगा। वैसे प्रलय के समय हम लोग कुछ नहीं रोक सकते। सिमुलेशन मैंने बताया था कि सिमुलेशन शुरुआत में मैंने बताया कि सिमुलेशन के जरिए ही वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर की मदद से ये चीज खोजने की और समझने की कोशिश की है। तो सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन समय के साथ वास्तविक दुनिया की प्रक्रिया सिस्टम को गतिशील की नकल है, और इस सिस्टम से कृत्रिम इतिहास बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है ताकि इसकी विशेषताओं और कार्यप्रणालियों का निष्कर्ष निकाला जा सके। अब इसको मैं एक साधारण उदाहरण देके समझा सकता हूं। जैसे आप एक दुकान खोलते हैं, आप उस दुकान में खुद काम करते हैं और बड़ा पाव बेचना शुरू करते हैं। तो जैसे आप एक दिन में अगर 100 बड़ा पाव बेचते हैं और 10 रुपया कमाते हैं, और अगले दिन 110 बेचते हैं, और उसके अगले दिन 120 बेचते हैं, 130 बेचते हैं, और ये प्रक्रिया ऐसे रहती है, तो आदमी एक अनुमान लगा लेता है कि ये हो रहा है तो इस समय ये हो जाएगा। लेकिन ये व्यापार में संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यापार में इधर उधर हो सकता है, लेकिन विज्ञान में ये संभव कई जगहों पर हो सकता है। मौसम को लेकर ये बहुत जगह संभव हो सकता है कि इस समय अगर इतनी गर्मी पड़ रही है तो आने वाले 1 करोड़ साल बाद कितनी गर्मी पड़ेगी। तो ये सब तमाम चीजें हो सकती हैं, इसी को सिमुलेशन कहते हैं। और बहुत चीजों को समझ के, जोड़ घटा के इसी सिमुलेशन का इस्तेमाल करा जाता है सुपर कंप्यूटर में। जो बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर इंग्लैंड के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, उसी सुपर कंप्यूटर की मदद से ये जानने का सही सही कोशिश की गई है कि दुनिया जो है वो सच में कब खत्म हो जाएगी, या इस दुनिया में जीवन कब तक है, या कब दुनिया पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, मैंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च के बारे में आपको बताया। ये रिसर्च आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे होंगे तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।